गड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी, तो इस वीडियो में आपको अपने टूर को कैसे प्लान करना है इसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एक टेंटेटिव प्लान से। स्क्रीन पे इस वक्त जो आप टूर प्लान देख रहे हैं, ये टूर प्लान मैंने बनाया है कंसिडरिंग कि लद्दाख में आपका टूर जो है वो एक हफ्ते का होने वाला है। इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पहले दिन के साथ। जब आप लेह एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पहले ही दिन से आपको टूर करना या बहुत ज्यादा ट्रैवल करना शुरू नहीं करना है। रीजन उसका ये है कि लेह 3,500 मीटर यानी ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। इतनी ऊंचाई पे जब आप फ्लाइट से लैंड करते हैं तो फिर आप इस बात के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस आपको हिट करे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहले दिन आप अपने होटल में जाएं, प्रॉपर रेस्ट लें, हल्की फुल्की डाइट लें, बहुत ज़्यादा खाएं ना और खूब सारा पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी लद्दाख का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत अच्छे से अडाप्ट कर पाए। अब आते हैं सेकेंड डे पे। दूसरे दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं लेह की लोकल साइट सीइंग करके। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ: हॉल ऑफ फेम, लेह पैलेस, शांति स्तूपा, थिक्से गोम्पा, रेंचो स्कूल, कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड संस्कार, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और मैग्नेटिक हिल। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स लेह के अंदर या लेह सिटी के आसपास ही हैं, तो इसीलिए आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने में एक दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लेह के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे दिन पे। तीसरे दिन आप बढ़िए लेह से नुब्रा वैली की तरफ। जो आपका रूट प्लान होगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। लेह से आप निकलिए, सबसे पहले पहुँचे खारदुंगला पास, उसके बाद डिस्किट और उसके बाद हंडर। खारदुंगला पास जैसे आप सब जानते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट पास एक टाइम में हुआ करता था, अभी उंगला पास हो गया है, लेकिन अभी भी उसका चार्म वैसे का वैसा ही है। जैसे ही आप नुब्रा वैली पहुंचते हैं, डिस्किट में एक बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री है जिसमें मैत्रेय बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है। इसके अलावा इसके आसपास की सराउंडिंग्स बहुत सुंदर हैं, फोटोग्राफी लवर्स के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो डिस्किट में जाइए, डिस्किट मॉनेस्ट्री, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइए हंडर। हंडर में एक वाइट डेजर्ट है, जैसे रेगिस्तान में डेजर्ट होता है वैसी ठंडी जगहों पर भी डेजर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको दो हम्स वाले कैमल मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप कैमल सफारी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, खूबसूरत सी जगह है। और अपना तीसरा दिन आप खत्म करिए हंडर में ही किसी प्रॉपर कैंप में रुक के। उसके बाद आपका चौथा दिन का रूट प्लान होना चाहिए हंडर से लेके तुरतुक तक। जब आप हंडर से लेके तुरतुक जाते हैं तो तुरतुक में सीधा पहले रुकिए मत और सीधा चले जाइए लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, जहां पे आखिरी थांग नाम का एक गांव आता है। तुरतुक 1971 से पहले पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में था। 1971 के वॉर के बाद तुरतुक और थांग नाम का ये जो गांव है इसको इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर कर लिया था। जब आप थांग गांव में जाते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया वहां से आपको बिल्कुल क्लियरली दिखता है, पाकिस्तानी आर्मी के आपको कुछ बंकर्स भी दिख जाएंगे। थांग में रात को रुकने की परमिशन नहीं है, आपको दिन में ही जाके विजिट करके वहां से वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए हंडर से निकलिए, थांग जाइए, थांग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और उसके बाद वापस आ जाइए तुरतुक। तुरतुक एक बढ़िया खूबसूरत सा छोटा सा गांव है जिसको आप बढ़िया पैदल पैदल घूम के एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाल्टिस्तान के जो राजा थे उनका राजमहल यहां पे है। आज भी उस डायनेस्टी में जो करंट रूलर है वो वहां पे रहते हैं। अगर आप उस राजमहल में जाते हैं तो वो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तो ये सारी चीजें आप तुरतुक में एक्सप्लोर कर सकते हैं। चौथे दिन का जो आपका प्लान होना चाहिए वो है तुरतुक से लेके पैनगोंग लेक। जो आपका रूट होना चाहिए तुरतुक से श्योक, श्योक से तंगस्ते, तंगस्ते से पैनगोंग। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप लद्दाख में ट्रैवल करते हैं तो जगह पे पहुंचना तो जरूरी है, साथ में जो रास्ते की खूबसूरती है वो कुछ नेक्स्ट ही लेवल की होती है। इसलिए आप जब भी पैनगोंग जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि श्योक वाली रोड से ही पैनगोंग जाएं। ये रोड बहुत खूबसूरत है, वंस ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इस रोड पे ट्रैवल करना। जब आप पैनगोंग पहुंच जाते हैं तो द पॉइंट जहां से आपको पैनगोंग लेक दिखना चालू होता है वहां आपको काफी सारे कैंप्स मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वहां से थोड़ा सा और आगे जाएं और करीब 30-35 किलोमीटर आगे जाके दो आपको छोटे गांव मिलेंगे, एक है मान और उसके बाद है मेरख। ये दोनों छोटे गांव हैं, यहाँ पे भी आपको कैंप्स मिल जाएंगे और होम स्टेज भी मिल जाएंगे और ये काफ़ी पीसफुल जगह हैं बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत कम है। तो अगर आप थोड़ा सा पीस चाहते हैं, थोड़ा सा काम एटमॉस्फेयर चाहते हैं, तो आप पैनगोंग लेक के साइड में ट्रैवल करते हुए 35 किलोमीटर तक मान विलेज जाइए या फिर मेरख विलेज जाइए। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखिए, पैनगोंग लेक के आसपास अगर आप किसी भी जगह पर रुकते हैं तो जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, बहुत ज़्यादा चिली होती हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर अगर आप इतनी ठंड नहीं झेल सकते
तो बेटर ये है कि पैनगोंग लेक से करीब 30 किलोमीटर पहले तंगस्ते नाम की जगह आती है, आप वहाँ पे रुक जाएं, वहाँ पे किसी होटल में रुक जाएं। आप चाहें तो सीधा पैनगोंग विजिट करके वहाँ जा सकते हैं, या पहले वहाँ पे रुक जाएं और अगले दिन सुबह आके पैनगोंग लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पांचवें दिन का प्लान, तुरतुक से लेके पैनगोंग तक। छठवें दिन बढ़िया सुबह उठिए, पैनगोंग लेक के किनारे बैठ के सनराइज देखिए, उसके बाद वापस बढ़िए लेक की तरफ। पैनगोंग लेक से जब आप ले जाते हैं तो दूसरा हाई ऑल्टीट्यूड पास आपके रास्ते में आएगा, विच इज चांगला पास। चांगला पास और खारदुंगला पास दोनों की ऊंचाई लगभग एक ही है, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहता है। जो चढ़ाई है चांगला पास तक की थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप बाय रोड जब चांगला पास तक जाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो छठवें दिन का जो आपका प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए पैनगोंग लेक से चांगला पास, चांगला पास से लेह। तो ये जो मैंने आपको प्लान बताया ये है लद्दाख को 6 दिन के लिए एक्सप्लोर करने का प्लान। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है और मे बी पॉसिबल अगर आप 1 या 2 दिन और ज़्यादा दे सकते हैं तो इस प्लान में आप कर सकते हैं थोड़े से चेंजेस। चेंजेस आप ये कर सकते हैं कि अपने टूर को लेह से स्टार्ट करने के बजाय अपने टूर को स्टार्ट करिए श्रीनगर से। श्रीनगर में लैंड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि श्रीनगर है 1500 मीटर की ऊंचाई पे और लेह है 3500 मीटर की ऊंचाई पे, इसलिए श्रीनगर में जब आप लैंड करते हो तो AMS की प्रॉब्लम नहीं आती है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप श्रीनगर में लैंड करिए, बढ़िया हाउस बोट में रुकिए, शिकारा राइड करिए और अगले दिन श्रीनगर से बाय रोड निकलिए लेह की तरफ। ये 2 दिन का रास्ता होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पे धीरे धीरे बाय रोड जाएंगे तो आपकी बॉडी लद्दाख के क्लाइमेट में बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा, श्रीनगर से लेके लद्दाख का जो रोड है वो बहुत सुंदर है, आपको बीच में ज़ोज़िला पास क्रॉस करना पड़ेगा। उसके अलावा रास्ते में कारगिल आएगा तो आप कारगिल के पास में रुक के कारगिल वॉर मेमोरियल देख सकते हैं। ये पूरा रूट 2 दिन में कवर करिए, 1 दिन श्रीनगर से कारगिल, दूसरे दिन कारगिल से लेह। तो 6 डेज़ के बजाय अगर आप 7 या 8 दिन दे सकते हैं तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि आप श्रीनगर में लैंड करें और फिर श्रीनगर से बाय रोड ले आएँ। तो ये तो हो गई हमारे टूर की पूरी प्लानिंग। अब आते हैं परमिट्स पे। लद्दाख में जब आप नुब्रा वैली या फिर पैनगोंग लेक या फिर और कई सारी जगहों पे जाना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट्स लेने पड़ते हैं। ये परमिट्स का प्रोसेस पहले बहुत मुश्किल था, आपको DC ऑफिस से इसको लेना पड़ता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। स्क्रीन पे आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ये लेह एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, डोमेस्टिक ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जितने भी लोग हैं सबके डिटेल्स देने हैं, किस जगह पे आप जाना चाहते हैं उस जगह पे टिक करना है, अपनी डेट्स डालनी है और एक छोटा सा पेमेंट करना है और आपकी परमिशंस हो जाएंगी डाउनलोड। ये जो परमिशन या परमिट्स आपको मिलते हैं आपको इन सबके प्रिंटआउट्स निकाल के, जितनी जगहों पे आप जा रहे हैं उतने प्रिंटआउट्स निकाल के आपको अपने पास रख लेने। तो हमने प्लानिंग अपनी कर ली, परमिट्स अपने निकाल लिए, अब बात करते हैं कि किस सीजन में हमें लद्दाख विजिट करना चाहिए। लद्दाख विजिट करने के लिए लद्दाख में जो टूरिस्ट सीजन होता है वो होता है फ्रॉम मई टू अक्टूबर। अगर आप स्नो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मई के सीजन में जाइए, अगर आप ग्रीनरी और हरियाली ज़्यादा देखना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर में जाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मई जून जो होता है वो पीक सीजन होता है टूरिस्ट का और अगस्त सितंबर ऑफ सीजन होता है, इसलिए अगर आप मई जून में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको एडवांस बुकिंग करानी होगी, क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं कराएंगे तो आपको होटल्स मिलने में या टैक्सी मिलने में प्रॉब्लम हो। अगस्त सितंबर में आप जाएंगे तो आपको एडवांस बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी होटल्स खाली रहते हैं, आप टैक्सीज आसानी से बुक कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो अगस्त सितंबर के सीज़न को चूज़ करिए, बट नेगेटिव उसका एस्पेक्ट ये है कि शायद आपको ज़्यादा बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप समर वैकेशन के टाइम में ही जा सकते हैं तो ये इंश्योर करिए कि सारी बुकिंग आप अपनी एडवांस में कर लें। लद्दाख का मैं 3 टूर कर चुका हूँ, वो भी अपनी मम्मी के साथ जो कि एक सीनियर सिटीजन है। लद्दाख 2021 और 2022 के जो मैंने टूर्स किए हैं उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। 2021 में मैंने जब लद्दाख का टूर किया था तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन सबको एक्सप्लोर किया था। तो वहाँ जाने से पहले अगर आप डिटेल में इन सब जगहों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लद्दाख 2021 का मेरे टूर के सारे वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है लद्दाख का टूर प्लान, परमिट्स कैसे लेने हैं और इसके अलावा किस सीज़न में आपको जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं लद्दाख टूर से रिलेटेड, आपके और कोई सवाल हैं या आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।